रणथंभौर के नए पर्यटन सत्र के पहले दिन की अगर हम बात करें तो बेहद अहम जानकारी सवाई माधोपुर से संवाददाता संदीप गोयल की रिपोर्ट। रणथंभौर के पहले नए पर्यटन सत्र के पहले दिन पहली सफारी से शुभ शुरुआत। हाउसफुल रणथंभौर के बीच आज से पर्यटकों का इंतजार समाप्त हो गया। नए पर्यटन सत्र की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों को हुई अमेजिंग साइटिंग। जोन संख्या 3 में चर्चित बागेन वृद्धि और शावकों की अच्छी साइटिंग हुई। मंडूक तिराय के पास शावकों के साथ पानी में अटखेलियां करती नजर आई ये बागेन वृद्धि। बागेन वृद्धि और शावकों की अटखेलियों ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। पर्यटकों के स्वागत के लिए आज सुबह गणेश धाम गेट पर रंगोली भी सजाई गई। तो तस्वीरें जरा देखिएगा, बेहद खास तस्वीरें और ये साइटिंग बाकी में अच्छी रही। पहला दिन नया पर्यटन सत्र और अपने आप में बेहद खास तस्वीरें। सवाई माधोपुर से सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। संदीप, वाकई में पहला दिन है इस सत्र का और ये रोमांच से भर देने वाला है। शावक और बाकी वृद्धि अटखेलियां करती हुई नजर आ रही हैं, तो जरा विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा। मानकर चले कि आने वाले दिन भी हाउसफुल रहेंगे। देखो पूनम, बताना चाहूंगा कि जो रणथंभौर जो एक वर्ल्ड फेम जिसको डेस्टिनेशन बोला जाता है और जो मानसून एक वैकेशन आता है 3 महीने का, उसके बाद आज से 1 अक्टूबर से जो है एक नए पर्यटन सत्र की शुरुआत हुई है और जो देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो रणथंभौर के खुलने का काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज उनका जो है एक तरह से इंतजार समाप्त हुआ है और इंतजार भी जो समाप्त हुआ है उसको देखते हुए बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से रणथंभौर इन दिनों हाउसफुल है शुरुआती दौर में, तो पर्यटक कितने इसके लिए बेसब्री से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज पर्यटन जो नया सत्र है इसका आज पहला दिन और पहली सफारी, और उस समय जब लोग जो टूरिस्ट जो सफारी पर गए हैं तो जो रणथंभौर की इन दिनों काफी चर्चित बागिन जिसको कह सकते हैं, जिसकी ज्यादातर साइटिंग होती है, और कह सकते हैं कि इन दिनों जो बागिन वृद्धि है वो अपने जोन में आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं शायद उनको निराश नहीं करती है और वो अपनी बिल्कुल साइटिंग जो आज अमेजिंग जो साइटिंग है वृद्धि की शावकों के साथ जो हुई है रणथंभौर के जोन 3 में, शावकों के साथ जो है वो पानी में अटकेलियां करती हुई नजर आई। पर्यटक बड़े रोमांचित हुए, अपने कैमरों में तस्वीरों को कैद किया है। और जब पर्यटकों का आज जो पहले नए सत्र का पहला दिन था तो जो गणेश धाम गेट है जो मुख्य प्रवेश द्वार है जंगल का, वहां जो है रंगोली सजाई गई, पर्यटकों का स्वागत किया गया। जो यहाँ के CCF है, DFO है, DFO टूरिज्म है, वो सभी अधिकारियों ने जो अपने कार्मिकों के साथ पर्यटकों का स्वागत किया है और कह सकते हैं कि जो शुभ शुरुआत एक तरह से नए पर्यटन सत्र की हुई है, ऐसे में आगामी जो पूरा सत्र है वो काफी अच्छा रहेगा और पर्यटकों को जो साइटिंग होगी तो उससे पर्यटन में और इजाफा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा और हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे तो उससे फायदा सिर्फ सवाई माधोपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए संदीप आपका। जोन संख्या 3 में चर्चित बागिन वृद्धि और शावकों की अच्छी साइटिंग हुई। पहला दिन अगर इतना रोमांचक भरा है तो मानकर चलिए कि आने वाले दिन जितने दिन ये सत्र में रहेंगे वो अपने आप में बेहद खास रहेंगे और जितने पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।